हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सगीश शिव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया में पढ़ने के क्या बेनिफिट्स और क्या नहीं है, तो क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रॉपरली। कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सब सच बताऊंगा। तो चलिए सुन जानते हैं। पहली चीज़ ये है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हो, मतलब क्या अच्छी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप पहले लोग अच्छे से शुरू करते हैं ताकि आप पहले डिमोटिवेट ना हो जाए। तो मैं आपको अच्छी चीज़ें बताता हूँ। पहले क्या होता है कि यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है इन क्रोस, वहाँ पे इतने में नहीं होता, लाइक सस्ते में हो जाता है। अराउंड 50 लाख आपका टोटल छः साल का पूरा खर्चा हो जाएगा। अभी पहले कम लगता था लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर बिकॉज ऑफ वॉर और समथिंग, उसकी वजह से। और आप नीट, पहले आपको नीट से क्वालिफाई करना है, अराउंड 130 समथिंग मार्क्स इतना क्वालिफाई करना होता है और आपको एडमिशन मिल जाता है। अब आप नई कंट्री में जा रहे हो, आपका नया एक ट्रैवल एक्सपोजर होती है इंक्रीज, मतलब लाइक पूरी एक नई दुनिया देखने मिलती है। वो बहुत अच्छा लगता है ये लाइफ के बारे में, लाइक एक नई चीज़ देख रहे हैं हम, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लाइक एकदम अच्छा फील होता है ये सब चीज़ें, नई हम सब नई चीज़ देखते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम से, फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे सिर्फ मुंबई के लोग पता है कैसे कैसे नहीं। जब मैं वहाँ पे हॉस्टल में गया तो वहाँ पे पूरे पूरे इंडिया से, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह से लोग आए, हर 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 जगह के लोगों को जाने का मौका मिलता है। और रशियन फ्रेंड्स जाने का, मतलब रशियंस कितने फ्रेंड्स के, मतलब कैसे होते हैं रशियंस, कैसे मतलब एक रशियन दोस्त बनते हैं, लाइक न्यू एक न्यू सोसाइटी टाइप हम लोग क्रिएट करते हैं अपने आसपास। वहाँ पे ये चीज़ों का मतलब लाइक बेनिफिट होता है कि दोस्त बनाते हैं, ये सब अच्छा लगता है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ वहाँ पे स्टडी कैसे, मतलब स्टडी में क्या हम नया देखते हैं वहाँ पे, हम नई सिस्टम ऑफ स्टडी देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कैसा कैसे होता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर एक आफ्टर सम टाइम 6 महीने बाद एक एग्जाम होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसे है कि कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे आर टेकिंग एनाटॉमी, एनाटॉमी के 15 दिन होंगे, उसके बाद आखिरी में एनाटॉमी का एग्जाम हो जाएगा, वो सब्जेक्ट खत्म। फिर दूसरे दिन आफ्टर 15 दिन के बाद दूसरा सब्जेक्ट लगेगा पैथोलॉजी, वो 20 दिन चलेगा, फिर वो 20 दिन चला, फिर वो खत्म हो जाएगा एग्जाम उसका लास्ट में हुआ। तो एक ऐसा होता है कि एक नया सिस्टम है, इन लोग लोगों बच्चों को प्रेशर नहीं डालते, आप कुछ वक्त पढ़ो एग्जाम दो खत्म, नया पढ़ो, मतलब लाइक एक एक सब्जेक्ट क्लियर करते रहते हैं लोग। वैसे वहाँ पे फाइनल एग्जाम्स बहुत, मतलब जैसे सिर्फ लास्ट 6 ईयर में होता है, वो भी क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम होता है लास्ट 6 ईयर में, और बाकी नॉर्मली ऐसे ही था मेरे कॉलेज में, फॉर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसे ही था। हमें एक नई लैंग्वेज सीखने का फायदा मौका मिलता है, रशियन लैंग्वेज, वो एक नई लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, और फिर उसके बाद थोड़ा नई शुरुआत में लाइक एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट, हम लोग रशियन लैंग्वेज सीख के कुछ काम आए आगे चल के फ्यूचर में, ऐसा भी हो सकता है। और एक मतलब लाइक लास्ट ईयर में मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे, कुछ टीचर्स लाइक दे हैव सो मच नॉलेज, उनके पास 3-3 डिग्रियाँ थी, 3-3 सब्जेक्ट्स, एंडोक्रोनोलॉजी, थेरेपिस्ट, उन लोग लाइक उन टीचर्स के पास इतनी ज्यादा नॉलेज थी। बस प्रॉब्लम ये होता है कि लाइक उनकी रशियन लैंग्वेज की वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन उनकी कुछ टीचर्स की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो अगर वो प्रॉपरली इंग्लिश बोले तो मतलब लाइक अगर वो इंडिया में आ जाए तो उनकी क्लोज में वैल्यूज होगी, इतनी ज्यादा उनके पास नॉलेज थी कुछ टीचर्स की। फॉर एग्जाम्पल मेरी सोफिया मैम, शी वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी उनकी नॉलेज, मैं तो चाहता था कि उनके, अगर मैं रशिया में रहता तो मैं उनके ही पास 100% कार्डियोलॉजी के लिए लाइक इंटर्न करता हूँ उनके साथ। और एग्जाम सिस्टम वहाँ पे डिफरेंट है, मैंने बताया आपको, एक साइकिल कंप्लीट होगा फिर एग्जाम होगा, फिर एक साइकिल कंप्लीट होगा फिर एग्जाम होगा, इस तरह से वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और फिर वहाँ का वेदर को, मतलब मैं आपको सारा वेदर नहीं बता सकता कि मतलब देयर आर 6 to 7 months जहाँ पे ठंडी होती है, बाकी जो वेदर होता है बहुत अच्छा खूबसूरत। और वहाँ पे सफाई लाइक एकदम लोग हर हर वेदर में लोग अपना एक सिटी को ही चेंज कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं एकदम लाइट्स एंड ऑल, फिर उसके बाद न्यू ग्रासेस, नया ग्रासेस, मतलब एकदम खूबसूरत बना देते हैं वो सिटी। वेदर बहुत अच्छा हो, मतलब कुछ वेदर बहुत अच्छे होते हैं, वक्त अच्छा होता है, दोस्त होते हैं, हम मजे कर सकते हैं, एक टोटली नई लाइफ हमें सीखने मिलती है। और एक्सपीरियंस होता है बिना फैमिली के कम्फर्ट, मतलब विदाउट कम्फर्ट फैमिली से दूर, जैसे यहाँ पे घर पे रहते हैं तो खाना मिल जाता है, कपड़े धुल के मिल जाते हैं, नॉर्मल सब कुछ चलता है, लेकिन वहाँ पे जाते तो हमें लाइक वहाँ पे हम कपड़े धुलते नहीं है, वॉशिंग मशीन तक जाने को भी तो मेहनत लगती है ना, तो हम वहाँ पे वॉशिंग मतलब वहाँ पे कपड़े भी धुलते हैं और खाना बनाना भी सीख जाते हैं। तो ये एक टोटली नई लाइफ सीखने को मिलती है, तो ये एक प्रोज है मेरे हिसाब से। और बाकी आपको मैं कॉन्स बताता हूँ, ठीक है, मैं कॉन्स में आपको जो भी बताऊंगा जो मैंने फील किया है और जो भी है सच कहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ समझी लाइक डैट, मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद। तो पहले क्या, मैं आपको स्टडी के बारे में बताता हूँ। हम जब गए थे तो हम फर्स्ट स्टूडेंट थे वहाँ पे एज अ इंग्लिश मीडियम, और टीचर्स थे रशियन सारे, कुछ टीचर्स को इंग्लिश बोलने आती थी, वो सिर्फ PDF रीड करते थे, लाइक बहुत प्रॉब्लम होती थी स्टडी सिस्टम स्टडी में, हमें समझने में लाइक क्या है
पढ़ना कैसे है ये सब कुछ पता नहीं था। अभी तो टीचर्स को लाइक हमारी कॉलेज को 6 ईयर्स हो गया इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते, तो उन्हें पता हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे हमें ऐसा है कि वो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, वहाँ पे हमें खुद से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि टीचर आएंगे पढ़ा के जाएंगे और बोलेंगे चलो तुम ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें खुद से पढ़ना होता है। वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर्स सबको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, रशियन लैंग्वेज की वजह से टीचर्स हमें इतना मतलब लाइक नहीं इतना पढ़ा सकते जितना नॉर्मली इंडियन टीचर्स पढ़ाएंगे। और क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूँ तो बहुत मतलब हमें स्टार्टिंग ईयर्स में बहुत कम क्लिनिकल एक्सपोजर था, कोविड की वजह से तो क्लिनिकल एक्सपोजर समझ लो था ही नहीं, तो जैसे कि पेशेंट्स भी हमें बहुत रेयरली देखने मिलते थे, बट टीचर्स लोग हमें पेशेंट्स मतलब एज अ पेशेंट्स की मतलब पूरा उसके उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाते थे क्लिनिकल टीचर्स लोग, बहुत प्रॉपरली मतलब जैसे कि हम पेशेंट से कैसे कन्वे करें सब लाइट एवरी डिजीज सब कुछ प्रॉपर टीचर्स बहुत मतलब इन मामलों में अच्छे थे क्लिनिकल टीचर्स लास्ट ईयर वाले। और प्रैक्टिकल स्किल्स मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम होती है, जो भी है सच है, ये इंडिया में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू रशिया। अगर आपको प्रैक्टिकल स्किल इंप्रूव करनी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बताऊंगा कि रशिया में रहकर आप किस तरह से अर्न भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल स्किल भी इंक्रीज कर सकते हो। ये सब मुझे लास्ट ईयर में जाने को मतलब लास्ट ईयर में पता चला, तो इसलिए मैंने ये सब नहीं कर पाया, तो ये तो है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पे हम 6 साल रहेंगे लेकिन हमें आना इंडिया में, तो एक जो स्ट्रेस है ना वो FMG का यहाँ पे आके एग्जाम देना इतना वो हमेशा रहता ही रहता है, कभी इंसान खुश नहीं रह सकता उसमें। तो मतलब एक रात में एक सोने से पहले ऐसा ही होता था कि हमें एग्जाम आके देना ही है, हमें एग्जाम आके देना ही है, तो एक टेंशन हमेशा उधर रहती ही है। और बाकी वहाँ पे ठंडी वेदर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, कुछ वक्त लाइक -20 तो नॉर्मल है वहाँ पे, 6 से 7 महीने तो ऐसी ही रहेगा 100% ठंडी रहती है। और अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, हॉस्टल फूड देखो, हॉस्टल फूड हमेशा इतना अच्छा नहीं लगता, हेल्दी भी नहीं लगता स्टूडेंट्स को, तो जो बेटर रहता है क्या करते क्या है कि सेकेंड ईयर में जाते हैं तो दे वो लोग अपना खुद से फ्लैट लेते हैं और खुद से खाना बनाना शुरू करते हैं, और वो बेस्ट है, हेल्दी भी होता है। और हम लोग को नया सिस्टम स्टडी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम नॉर्मली जो फॉलो करते आए थे वो इजी लगता था, अब ये जो नया सिस्टम है वो डिफिकल्ट है। तो मेरे हिसाब से ये सब कौन से, और बाकी भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अगर मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ को बताने को मैं बताऊंगा, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो उसमें मैं आई एम सॉरी, बट जो भी है ये रियलिटी है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।